गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर वन देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब भारत रुकेगा नहीं,